जीवन जीव साडा जन्म स्वर्ग है। जो जीव अवधि पूरी करके परमेश्वर के चरणों में जाता है तो उत्थे भी महापुरख खड़ोता होंगे, उत्थे भी सतगुरु खड़ोते होंगे। साथ संगत बाणी आख्या नानक कचड़िया से तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्कियां पक्के कच्चे बहुत मिलते हैं, पक्के विरले हैं केड़े सानू गुरु नाल जोड़दे। ओ तेरे पक्के मित्र साहब कहिंदे नानक कचड़ियां सियों तोड़ उन्हां नाल तोड़ दे जिहड़े तैनू गुरु नालों नहीं जोड़दे। उन्हां नाल टुटी भली है अज भी टुटनी है, उन्हां नाल कल भी टुट जाणी, क्योंकि उन्हां दी प्रीत जिहड़ी तेरे नाल है ओ स्वार्थ दी प्रीत है। स्वार्थ की प्रीत लोभ की प्रीत बहुते चिर नहीं चलती। इस वास्ते साहब कहते नानक कचड़िया सिंह तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्की ओए जीवन दे बिछड़े ओ मोया ना जाई छे। जींदे जी भी नहीं छड़दे, यदि अगे गए तो अगे भी खड़ोते हैं दरगाह विच, क्योंकि ओ उन्हां दा हुक्म इत्थे भी चलदा है, उन्हां दा हुक्म अगे दरगाह विच भी चलदा है। ज्ञान दा कहा दरगे चले सो किसको नजर लै आवे तले, उसका हुक्म दरगाह विच भी चलदा है साधु दा। जिस वेले तू नाम जप के जाएगा अगे निरंकार अगे खड़ो के साधु तेरी बांह पकड़ के आखेगा इसने मेरे नाम संगत विच बह के नाम जपिया। ऐसे साधु का अज तुसी दिन मना रहे हो, ऐसे सतगुरां का तुसी अज दिहाड़ा मना रहे हो। लगता है जिम्मे एक आशिक ने कितने आशिक बना देते, गुरु ग्रंथ साहब के चरणों बाणी नाल जोड़ देता है एक ने। उस बारे में आख्या साधु संग की सुन हो छड़ दे
तू पानी छड़ दे तेनू बाहर कटांगे रेशम विच लपेट के रखांगे क्योंकि रेशम सब तो नरम कपड़ा पर मच्छी जी सकती है पानी नु त्याग के मछली जी सकती है जिस तरह पानी नु त्याग के मछली नहीं जी सकती इसे तरह पानी नु त्याग के सिख नहीं जी सकती। भाई गुरुदास जी कहते हैं जल से निकास मीन राखिए पतंग बिन जल तड़प तजत प्रिया प्राण है तड़प तड़प के मर जल्दी है मच्छी पर पानी का संग नहीं छिंद। भाई गुरदास की दूसरी मिसाल दें दे बंश से पकड़ पंछी पिंजरी में राखिए बंश से पकड़ पंछी पिंजरी में राखिए तो बिन बन मन उन मन उन मान है पंछी नु पकड़ के पिंजरे विच पाया चूड़ियां भी देता है पर वो अपनी खुशी नाल पिंजरे विच कदी रहेगा नहीं रहेगा भावे मालिक चूड़ियां देता है पर वो आखदा है रब्बा तू तो मैनू खंभ लाए हन किते पिंजरा खुले ते मैं उडारी ला जाऊं। मिसाल दिती है भाई साहब ने जिस तरह एक पंछी आकाश की उडारी नहीं छड़दा इसे तरह गुरु का सिख कभी सतसंग जानता समा नहीं पहुंच जाता कभी नहीं खो जाता समा होंदा संगत का भज के सब तो पहला आ बैंदा गुरु के चरणों में गुरु का नाम जपता है। तीसरी मिसाल दिती भाई साहब ने पावनी भतार बिछरत अत छीन दी पावनी भतार बिछरत अत छीन दीन बिलख बदन काहे पवन भयान है पति घर कोई ने शीशे विच अपने आप नु वेखदी है ते फिर सुंदर घर वेखती है ते फिर अखां विच अथरू आ जांदे क्यों क्योंकि पति घर कोई उस घर की करां उस सुंदरता की करां उस सोहने कपड़ियां की करां जे पति कोल नहीं। आख्या इसे तरह भाई साहब कहिंदे ने तैसे गुरसिख बिछड़त साध संगत से तैसे और सिख बिछड़त साथ संगत से ये संगत नाल गुरु का सिख बिछड़दा है तो फिर सिख का जीवन कोई नहीं सिख दी फिर मौत हो जाती आत्मक तौर पर। इस वास्ते साहब कहते संगत विच आ भाई संगत विच रे मन राम सियों कर प्रीत सर्वनी गोविंद गुण सुनो अर दावो रसना गीत। साहब कहते आ मैं तेनू दसा प्रीत किवें करी दी आया ना तू संगत विच साहब कहते आ मैं तेनू दसा गुरु नान साहब नान प्रीत किवें करी दी है रे मन राम सिंह कर प्रीत सर्वनी गोविंद गुण सुनो